H.C. Verma solution, chapter 3, rest and motion, kinematics, question number 36. Figure shows 11-point fit with weight ditch with the approach road at an angle 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch, assuming that the length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part run out of the approach road. Okay, तो हमें क्या देखा कि ये बाइक है जो यहाँ से रन करेगी और इसको पार करेगी, ठीक है, इस खड्डे को, तो खड्डे को पार करेगी, इसका मतलब ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल करेगी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पे वापस लैंड होगी। तो प्रोजेक्टाइल कब स्टार्ट करेगी? जब इसका आगे पहिया वाला निकल जाएगा, यानी यहाँ बीच से स्टार्ट हो जाएगी प्रोजेक्टाइल और ये यहाँ पर बीच में वापस आकर अटकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 फीट और यहाँ पे 2.5 फीट एक्स्ट्रा होगा, तो इस टोटल जो रेंज होगा ना प्रोजेक्टाइल का, ये अपना प्रोजेक्टाइल होगा, तो जो प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा वो कितना होगा, 11.7 प्लस 5 होगा, तो 11 पॉइंट, तो टोटल रेंज आ जाएगा अपना 11.7 प्लस 5 यानी कि आ जाएगा 16.5 फिट आएगा। फिट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.305 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5.09 मीटर, ये आपका रेंज होगा। अब देखो रेंज के लिए फॉर्मूला है क्या अपने पास, रेंज के लिए फॉर्मूला है u² sin 2θ/g, राइट। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री है और हमें स्पीड फाइंड करना है, राइट। ओके, तो हम फॉर्मूला निकाल देते हैं, u² rg/sin 2θ, वैल्यू पुट करते हैं, r कितना है 5.09, g कितना 9.8, sin 2θ यानी sin 30 हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2 यानी 2 × 9.8 × 5.09, ओके। तो ये कितना आ रहा है, u² आपका आ रहा है 99.8 आ रहा है समथिंग 85, तो u कितना आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो आ जाएगा 9.99, राइट। ये आपका u आ गया मीटर पर सेकंड में। अब अगर फिट में निकालना है तो इसको वापस डिवाइड किससे करेंगे, 0.305, तो फिट में आ जाएगा ये 9.9 अपॉन 0.305, तो ये फिट में कितना आ जाएगा 32 फिट आ जाएगा, 32 फिट पर सेकंड, ये आपकी स्पीड होगी बाइक की।